सर, तो आज हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम बात कर रहे हैं डेटा विजुलाइजेशन विद टैबलो। जी हाँ, टैबलो इसकी हमारी पहली क्लास है। एज ए डेमो हमारे साथ विशाल जी ज्वाइन किए हैं। विशाल जी, सबसे पहले मैं आपको थैंक्स करना चाहूंगा और वेलकम करूंगा हमारे इस ऑनलाइन डेमो क्लासेस में, जहां हम आपके साथ डिस्कस करेंगे टैबलो पे। जैसे कि हमारी फोन पे बातचीत हुई थी, आप टैबलो में मूव क्यों होना चाहते हैं, आप टैबलो यूज करना चाहते हैं अपने रिपोर्ट्स एंड डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ द डेटा कनेक्टिविटी को कनेक्ट करने के लिए, राइट? ओके, राइट सर। ओके, तो चलिए हम बात करते हैं टैबलो के ऊपर। सबसे पहले हम बात करेंगे टैबलो सॉफ्टवेयर क्या है, राइट? तो जान लीजिए कि हम डैशबोर्ड बनाते हैं। टैबलो थोड़ा सा पुराना सॉफ्टवेयर है, 2013-14 से मैं इसको यूज कर रहा हूँ। 14 के आसपास मैंने यूज करना शुरू किया था। तब इंडिया में बहुत कम यूज हुआ था। मेरे यूएस क्लाइंट, यूएस एंड कनाडा के कुछ स्टूडेंट थे, तो उनके लिए मैं ट्रेनिंग प्रोवाइड करता था और उनके लिए मैंने सीखा था, क्योंकि हमारे एक्सेल के स्टूडेंट थे और बोले सर टैबलो आप ही सिखाइए, आपसे समझ में आएगा। तो मैंने उनके लिए 14 में सीखा था इसको। ओके, तो टैबलो जो है हमारा वो है सिंपल सी, अगर बात करें ज्यादा अगर टेक्निकल ना जाए तो सिंपल सी बात समझ जाइए कि एक डैशबोर्ड बनाने का काम आता है। ओके, हालांकि डैशबोर्ड हम एक्सेल से ही बना लेते हैं, बट एक्सेल से जो डैशबोर्ड बनाते हैं उसको बनाने में हमें घंटों लग जाता है, और टैबलो जो है विद इन 5-10 मिनट में बना सकते हैं। पहली चीज। दूसरी चीज, जब टैबलो आया था उस समय एक्सेल 2003 चल रहा, 13 चल रहा था, 7 और 13 यूज होता था। तो उस समय हम डेटाबेस की लिमिटेशन थी, मतलब कि हम जो एक्सेल से जो कनेक्टिविटी, लाइव कनेक्टिविटी की हम बात करें, ऐसे तो हम डाउनलोड कर लेते थे, एक्सट्रैक्ट कर लेते थे और जो मर्जी करते थे, लेकिन जो लाइव कनेक्टिविटी होती थी उस लाइव कनेक्टिविटी में हमें लिमिटेशन था। Okay. कि हम हर तरह के डेटाबेस को कनेक्ट नहीं कर सकते, बट अभी तो लिमिटेशन हट गई है, अभी बहुत सारी चीजें आ गई है पावर बीआई की वजह से, बट 100+ कनेक्टिविटीज आपको टैबलो प्रोवाइड करता है। तो उस समय ये टैबलो इसलिए मार्केट में आ गया क्योंकि बहुत लोगों के पास अलग अलग टाइप ऑफ डेटाबेस थे और उनको डेटा डाउनलोड करके फिर रिपोर्ट बनानी पड़ती थी, बट टैबलो क्या था, कनेक्शन लग जाती थी। कनेक्शन लगने के कारण क्या होता था कि हमें बार बार डाउनलोड करके रिपोर्ट नहीं बनानी होती थी। जैसे मेरा डेटाबेस में डेटा अपडेट हुआ, इधर हमने रिफ्रेश किया, हमारा टैबलो का रिपोर्ट अपडेट हो गया। तो टैबलो सीखने से पहले चीज जान लीजिए कि टैबलो सॉफ्टवेयर की जो रिपोर्ट्स है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि रिपोर्ट को हम शेयर कैसे करेंगे। रिपोर्ट बना लें और अच्छी बात है, बट प्रॉब्लम है कि हम शेयर कैसे करें। ये इंपॉर्टेंट पार्ट होती है। एक्सेल पॉपुलर क्यों है? एक्सेल पॉपुलर होने के पीछे रीजन ये है कि हम किसी को भी फाइल भेज देते हैं और हमें पता होता है कि वो बंदा देख लेगा, उसके पास एमएस ऑफिस होगा। एमएस ऑफिस नहीं होगा तो उसका कोई सब्सिट्यूट जैसे OpenORG या IBM कंपनी वगैरह होगा। अगर नहीं होगा तो वो ईमेल पे ही गूगल सीट पे जाके देख लेगा। बट टैबलो में ऐसी चीजें नहीं है। देखिए, टैबलो की जो रिपोर्ट बनती है उसको शेयर करने के कुछ तरीके हैं। सबसे पहला तरीका है कि आप टैबलो टेम्पलेट में भेज दें या टैबलो पब्लिक में भेज दें, बट इन दोनों के लिए उनको टैबलो सॉफ्टवेयर होना चाहिए। अब टैबलो के दो वर्जन है, टैबलो डेस्कटॉप एंड टैबलो पब्लिक। टैबलो पब्लिक फ्री है, हर कोई इसको एक्सेस कर सकता है, हर कोई इसको इंस्टॉल कर सकता है। ओके, यस। तो लेकिन उनको इंस्टॉल, सॉफ्टवेयर तो इंस्टॉल करना ही पड़ेगा। अब आपके इंटरनल है, कंपनी है तो कंपनी होगा, लेकिन अगला आपने रिपोर्ट क्लाइंट को भेज दिया, अब क्लाइंट आपकी एक रिपोर्ट को देखने के लिए टैबलो सॉफ्टवेयर डाउनलोड थोड़ी करेगा, इंस्टॉल थोड़ी करेगा सर। यस 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 सर। हम लोग थोड़ी है कि गया नेहरू प्लस से पायरेटेड डीवीडी लाए, गुजारे और इंस्टॉल कर लिए क्या? सही बात है, उनको तो अप्रूवल तो बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती है ना। यस सर। तो उनको रिपोर्ट कैसे शेयर करें? तो उनके पास ऑप्शन होता है PDF। आप रिपोर्ट को PDF में कन्वर्ट करके भेज सकते हैं और PDF में रिपोर्ट आपका देख सकते हैं, या फिर उनके लिए एक वेब लिंक क्रिएट कर दीजिए, वो वेब लिंक पे क्लिक करेंगे और रिपोर्ट को देख लेंगे। उनको टैबलो सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने की कोई जरूरत नहीं। समझ गया? ओके सर। तो ये किसी भी फॉर्मेट में इसको, इसकी रिपोर्ट्स को किसी भी फॉर्मेट्स में हम शो कर सकते हैं, Excel, like PDF? No, no, no.
टैबलू से रिपोर्ट जो है वो बेसिकली तीन बताया ना आपको, सबसे पहले आप टैबलू की टेम्पलेट फाइल बना के बना सकते हैं, सॉफ्टवेयर फाइल होती है जैसे एक्सेल की होती है उससे बना सकते हैं क्योंकि टैबलू पे रन होगा। दूसरा टैबलू की पब्लिक पब्लिक फाइल बना देंगे तो टैबलू पब्लिक में जाके वो सेव कर लेगा ओपन कर लेगा, मतलब दोनों के लिए सॉफ्टवेयर रिक्वायर्ड है। तीसरा आप पीडीएफ में सेव करते हैं। चौथा इसको आप यूआरएल में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा कोई जरूरत नहीं, इसको ऐसा नहीं कि आप डाउनलोड कर लें एक्सेल में, जी नहीं। क्योंकि एक्सेल में डाउनलोड कर देंगे तो सारे फीचर्स एक्सेल में थोड़ी मिलेंगे जो इसमें है। अगर सारे फीचर्स एक्सेल में मिल रहे हैं तो फिर टैबलू की क्या जरूरत है, हम एक्सेल भी काम कर लेते हैं। तो टैबलू की एक लिमिटेशन है, इसलिए एक्सेल को वीक नहीं कर पाया क्योंकि नीड टू सॉफ्टवेयर। ओके, अब हम सॉफ्टवेयर की बात करते हैं। तो इसके लिए मैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन आपको देता हूं और हम चलते हैं अपने। सर एक छोटा सा क्वेश्चन था मेरा, डिफरेंस बिटवीन पावर बीआई एंड क्या कहते हैं टैबलू, हम आपको वो भी बता देते हैं। और देख लीजिए, सबसे पहले हम टैबलू सॉफ्टवेयर पे चलते हैं। तो टैबलू हमने ओपन किया, टैबलू पे गए, ये टैबलू की जो ऑफिशियल वेबसाइट उस पर चलते हैं, हम प्रोडक्ट पे बात करते हैं। टैबलू के जो प्रोडक्ट है उस पर हम बात करते हैं। तो यहाँ पे दो चीजें है, टैबलू है आपका डेस्कटॉप, ब्राउजर मोबाइल और एम्बेड तीनों चलता है। एम्बेड मतलब जैसे बहुत सारे वेबसाइट्स है ना जहाँ पे डेटा ऑटोमेटिक पुल होते रहते हैं जस्ट लाइक शेयर मार्केट वगैरह, तो वो सारी चीजें की रिपोर्टिंग जो है टैबलू से कनेक्ट कर सकते, एम्बेड कर सकते, वो एचटीएमएल कोड आपको दे देगा, वो अपने वेबसाइट पे जाके उसको कोड कर दीजिए, जैसे जैसे यहाँ डेटा चेंज होगा आपका वहां भी ऑटोमेटिक चेंज होते जाएगा। तो आपके पास सबसे पहले है टैबलू डेस्कटॉप, ठीक है, उसके बाद आता है टैबलू प्रेप, उसके बाद आता है टैबलू ऑनलाइन, उसके बाद आता है टैबलू सर्वर। अब क्या है टैबलू डेस्कटॉप, मतलब कि आपका ये सॉफ्टवेयर है जिसको आपने डाउनलोड किया और उसको यूज कर लिया, ठीक है। अब इसमें अगर हम बात करें टैबलू प्रेप की तो ये अलग है, ये जैसे कि बहुत सारे क्लाइंट ऑर्गेनाइजेशन वगैरह होते हैं वहाँ यूज कर किया जाता है, ये भी एक तरह से डेस्कटॉप ही समझिए। टैबलू ऑनलाइन जैसे कि आपने डेस्कटॉप पे अपने रिपोर्ट को बनाया और आपने अपलोड मार दिया तो टैबलू ऑनलाइन में चला जाता है, जहां से आप लॉगिन करके अपने रिपोर्ट को शेयर कर सकते हैं, वेब में कन्वर्ट कर सकते हैं, एम्बेड कोड पा सकते हैं, किसी को शेयर कर सकते हैं, किसी भी पीसी से। मतलब कि आपने रिपोर्ट बना के अगर टैबलू ऑनलाइन से पब्लिश कर दिया तो आपको जरूरी नहीं है कि आपके पास जिस पीसी एक्सेस करना है तो उस पीसी में टैबलू सॉफ्टवेयर होना ही चाहिए। वो टैबलू ऑनलाइन पे सब कुछ कर सकता है, क्लाउड कंप्यूटिंग मिल जाता है। और टैबलू सर्वर तो समझाने की जरूरत ही है, इट्स अ सर्वर, ठीक है। और ये वर्क करता है आपका किस पे, डेस्कटॉप पे, ब्राउजर पे, मोबाइल पे एंड एम्बेड पे, इसमें बताया आपको। और सारे इसमें है आपका जो है विंडोज भी चलता है, लिनक्स भी चलता है, मैक भी चलता है, सब पे वर्क करता है, एंड्रॉयड पे भी चलता है, सब पे करता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि इसकी प्राइसिंग, हाउ कैन गेट द सॉफ्टवेयर। अब यही एक प्रॉब्लम है यहाँ पे सर, यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि लर्नर के लिए अगर हम प्राइसिंग की बात करें, ट्राई करते तो 14 डे का आपको ट्राई मिलता है, बट 14 डे में तो आप टैबलू सीख नहीं पाएंगे ना। तो अगर आप इंडिविजुअल करते हैं तो टैबलू क्रिएटर जो कि $70 पर मंथ आता है और बिल एनुअली होगा सर, $70 पर मंथ बहुत ज्यादा कॉस्ट है सर। 14 ऑर्गेनाइजेशन की हम बात करें तो उनके पास जो है तीन तरह का है, टैबलू क्रिएटर $70 ये भी है, टैबलू एक्सप्लोरर $35 एंड टैबलू व्यूअर आपका $12। व्यूअर जस्ट रिपोर्ट देखने के लिए होता है, व्यूअर आपका ये $12 का चार्ज है मंथली पर आईडी, समझे। क्रिएटर और ये एक्सप्लोरर किस चीज के लिए रहता है सर, जैसे कि मान लीजिए ना ये दो चीज होती है, एक होता है कि एक टीम होती है जो रिपोर्ट क्रिएट करती है और भेज देती है। अब क्या होता है कि जो रिपोर्ट देखता है उसको थोड़ा बहुत चेंज करना होता है, और एक होता है जो सिर्फ रिपोर्ट देख पाएगा। क्रिएटर ने अपना रिपोर्ट को क्रिएट किया,
एक्सप्लोरर क्या किया, रिपोर्ट को देखा, उसमें थोड़ी बहुत चेंजिंग करने की राइट उसको मिलते हैं. व्यूअर जस्ट वो देख सकता है. इसकी टेक्निकल और भी बहुत सारे स्पेसिफिकेशंस है, लेकिन मैंने आपको सिंपली समझाया हूं सर. सिंपली आम बहुत भाषा में क्या ना कि आप जो है टेक्निकल बैकग्राउंड से है नहीं, अगर इसकी टेक्निकल चीजें समझाने लगू तो फिर कहेंगे सर रहने दीजिए, समझ में नहीं आ रहा क्या. नहीं नहीं, इसलिए टेक्निकल चीजों पे नहीं जाते हैं. तो हाउ कैन गेट द सॉफ्टवेयर, मेरे पास एक सॉफ्टवेयर है इसका और मैंने परचेज नहीं किया, मैं झूठ नहीं बोलूंगा. यस सर. तो ऐसे पायरेटेड सॉफ्टवेयर तो मिलते हैं, लेकिन पायरेटेड सॉफ्टवेयर में मैं आपको नहीं दूंगा कि मैंने एक दो बार ट्राई किया था तो वायरस आ गया था और मुझे सिस्टम को फॉर्मेट करना पड़ा था. हाउ कैन गेट, तो इसमें आता है टैबलू. अगर आप गूगल पे जाके सर्च करेंगे टैबलू स्टूडेंट वर्जन, स्टूडेंट वर्जन आपको फ्री मिलता है. हाँ, इसमें थोड़ी सी लिमिटेशन है, लेकिन उतना लिमिटेशन नहीं है पब्लिक की तरह. तो टैबलू स्टूडेंट वर्जन को आप ले सकते हैं, हालांकि टैबलू पब्लिक भी आप सीख सकते हैं. तो टैबलू स्टूडेंट वर्जन में जैसे उसको अप्लाई करेंगे तो आपको क्या क्या होना चाहिए, आप अपनी डिटेल फिल कर दीजिए. दूसरा होना चाहिए वैलिड आईडेंटिटी कार्ड, किसकी, यूनिवर्सिटी की, किसी कॉलेज की, और एक रिप्यूटेड कॉलेज होना चाहिए, मतलब यूनिवर्सिटी होना चाहिए. ऐसा नहीं कि आपने ऐसा डाल दिया कोई वेबसाइट वेबसाइट है ही नहीं, समझ गया ना. मतलब कि जो गूगल की जो टीम है इसको खूब मैनुअली चेक करती है आई कार्ड्स को. तो अगर उसको ऐसा लगेगा कि यूनिवर्सिटी को गूगल पे कहीं फाउंड नहीं हुआ तो फिर हो सकता है कि वो आपको लाइसेंस ना दे. जैसे ड्यू है या और भी वैसे इग्नू है, ऐसे जो है वर्ल्ड वाइड, ऐसे यूनिवर्सिटीज का अगर कोई आईडेंटिटी कार्ड है उसके साथ आप यहाँ अप्लाई कर सकते. आपको 3 से 5 दिन के अंदर में इसकी सॉफ्टवेयर की लिंक और इसका एक्टिवेशन कोड आपको मिल जाएगा. अब जरूरी नहीं इसमें आपका अपना होना चाहिए, आप किसी भी इसके ले सकते हैं. वो कितने दिन तक वैलिड होगा, जितने दिन तक आपका वो आई कार्ड वैलिड होगा. समझ गए, वो चीजें आप यहाँ से ले सकते. लेकिन सर इसमें बताते हैं कि स्टूडेंट लाइसेंस तो 1 ईयर के लिए मिलता है ओनली. सर मैं तो करीब 3 साल से चला रहा हूँ इसको. अच्छा, तो ये लो, ये अपग्रेड कर दे उसको, क्या कहते हैं, कंटिन्यू कर देते होंगे. हाँ, शायद शायद मैंने उसमें देखा था कि फैकल्टीज और स्टूडेंट्स के को प्रोवाइड किया जाता है ये. हाँ, स्टूडेंट्स तो को 1 ईयर के लिए रहता है ओनली. हाँ, फैकल्टीज अगर आया तो उसको भी इंस्टीट्यूट को रजिस्टर्ड करना होता है इसके साथ, टैबलू के साथ. 1 ईयर का मिलता है, बाद में एक्सटेंड हो जाता है. मैंने कि तब तक एक्सटेंड हो सकती है जब तक कि आपकी, मैंने बोला जब तक वो आप एक्टिवेट रहेगा तब तक कि आपकी आई कार्ड की वैल्यू है. आई कार्ड जब तक वैलिड है सर, ऊपर वैलिडेशन डेट लिखा होता है. अब बात आज से आपने पूछा कि टैबलू एंड पावर बी आई में क्या डिफरेंस, राइट. तो ये आपके सामने आप टैबलू का ऑप्शन है और मैं पावर बी आई का भी खोल लेता हूँ. सबसे पहले आप पावर बी आई का समझ लीजिए कि पावर बी आई का डेस्कटॉप वर्जन बिल्कुल फ्री है. इसके लिए कोई एक्टिवेशन कोड की जरूरत नहीं पड़ती है. हाँ, पावर बी आई ऑनलाइन के लिए आपको जो है रजिस्टर्ड करना पड़ेगा. तो भी आपको 180 दिन के लिए फ्री रहता है, उसके भी फ्री वर्जन है क्योंकि बहुत सारे इसमें फैसिलिटी दी गई है. बात समझे, मतलब पावर बी सीखना है सबसे पहले डेस्कटॉप वर्जन आपको फ्री मिल जाता है. आपका अगर ए वर्जन मिले देखें, वेब वर्जन देखें, तो वहां भी आपका जो है टाइमिंग है अच्छा खासा. अगर हम बात करें प्राइसिंग की, अगर मैं खरीदना ही चाहते हैं आप तो प्राइसिंग की बात करें तो इसकी प्राइसिंग बहुत ही कम है, 607 रुपये पर मंथ. दिख रहा है आपको? यस सर, 607 रुपये. पावर बी आई प्रो एंड पावर बी आई प्रीमियम है, तो इसके फीचर्स कंपेयर फीचर आप इसे देख सकते हैं कि पावर बी आई प्रो एंड पावर बी आई प्रीमियम में क्या है. अब पावर बी आई अगर मान लीजिए आप ऑफिस 365 एंटरप्राइजेस वर्जन खरीदते हैं तो पावर बी आई के साथ फ्री आ जाता है. ठीक है ना, तो इसका अलग ये थोड़ा सा कॉस्टली है.
काफी कॉस्टली है सर। तो पावर बीआई खरीदते हैं तो इसमें आपको 1 GB यहाँ पे मैक्सिमम एलिजिबल डेटा से तो 1 GB मिलता है, 10 GB पर यूजर मिलता है। आपको दिख रहा है इसमें बहुत सारे फीचर्स हैं। डिफरेंस बताया हुआ है दोनों का कंपैरिजन। थोड़ा बहुत डिफरेंस है जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि लाइसेंस पर यूजर है लेकिन लाइसेंस पर यूजर नहीं है, लाइसेंस डेडिकेटेड बाय क्लाउड कंप्यूटिंग स्टोरेज रिसोर्सेज लाइसेंस करता है, यहाँ पे प्री प्रॉमिसेज है, यहाँ पे कंप्यूटर प्रोसेसिंग इक्विपमेंट शेयर है, ये डेडिकेटेड है, सर्वर जो मिलेगा यहाँ पे शेयर मिलता है, इस पे डेडिकेटेड मिलता है। ओके तो इस तरह समझे आपने, जो क्लाउड कंप्यूटिंग होता है ना सर्वर होते हैं, तो सर्वर क्या होता है, कंप्यूटर ही तो होता है। यस, तो कई सारे कंप्यूटर मिला के बड़ा सा सर्वर बना दिया जाता है ना। Yes, yes, yes. इसमें श्योर मतलब कि एक पीसी से मैं एक लैपटॉप सर्वर है मान लीजिए, इससे 2-3 बंदों का होगा। Yes. और यहाँ क्या होगा, डेडिकेटेड एक पे ही होगा। Yes. तो बैंडविड्थ वगैरह की दिक्कत होती है तो अच्छा है। और मान लीजिए आप लर्निंग के लिए है तो 2-3 महीने 2 महीने सीखेंगे तो 1200-1300 रुपये आप खर्च कर सकते, समझ गए ना। लेकिन जरूरी नहीं है, लेकिन ये भी 2 मंथ के लिए फ्री है सर, पावर बीआई प्रो। पावर बीआई प्रो अगर इसको अगर ट्राई करते हैं ना, ट्राई अगर करते हैं तो इसका 1 महीने का है, उसके बाद लिमिटेड वर्जन 180 दिन पे मिल जाता है। पता नहीं सर, मैंने ऐसा पढ़ा भी था और उसमें है ना पावर बीआई प्रो 60 डेज के लिए फ्री दिया हुआ है। हाँ बताया ना आपको, लिमिटेड उसको एक्सटेंड हो जाता है 80 दिन के लिए लिमिटेड वर्जन के साथ। तो लिमिटेशन होती है, ट्राई आप ट्राई भी करते उससे भी लिमिटेशन होती है सर। लेकिन इसमें आप इसकी साइन इन या ट्रायल वर्जन लेना चाहते हो तो आपके पास होना चाहिए एक वर्क ईमेल एड्रेस। ओके, मतलब कि किसी कंपनी की आईडी होनी चाहिए ना कि पब्लिक डोमेन या वो ईमेल वगैरह। हाँ यस सर। तो आपने प्राइसिंग डिटेल देख लिया, अब सॉफ्टवेयर ओवरव्यू देखते हैं, ठीक है। ओके, तो आप देखिए यहाँ पे टैबलू का, हम सबसे पहले टैबलू में एक रिपोर्ट बनाते हैं। Yes. तो हमने यहाँ पे कनेक्ट, हमने यहाँ पे एक्सेल फाइल को कनेक्ट किया। हमने यहाँ पे मान लीजिए सिंपल सा एक डैशबोर्ड फाइल भी ले लेते हैं, चलिए डैशबोर्ड 1 लेता हूँ। ओपन किया हमने, यहाँ पे बहुत सारे हैं टैबलू फाइल्स के हैं, यहाँ पे सर्वर्स हैं, ऑनलाइन सर्वर्स वगैरह भी कनेक्ट कर सकते हैं, गूगल सीट वगैरह से भी इसको कनेक्ट इजीली किया जा सकता है। ओके, ये सोर्स मतलब सोर्स थे सारे सर। हाँ सोर्स थे सर, डेटा कहाँ कहाँ से लेकर आ सकता है। अभी यहाँ पे आपने डेटा सेलेक्ट किया सीट 1 का, ये डेटा आ गया हमारे पास, ठीक है। अब यहाँ से मैं अपना सीट 1 पे जाऊँ, अब यहाँ पे दिक्कत क्या पता आपको, Yes, sir. मुझे जो लगा हुआ है कि 1 by 1 रिपोर्ट बनता है, जैसे हमने सीट 1 पे आया और मुझे दिखना है सिटी वाइज टोटल लॉगिंग, ठीक है ना, लॉगिंग काउंट। ओके, तो हमने यहाँ पे सिटी को लिया, सिटी को कॉलम में हमने रख दिया और हमने लॉग काउंट को जो है वैल्यू में रख देते हैं। यहाँ पे रिपोर्ट बन गए। अब यहाँ साइड में आपके विजुलाइजेशन है, जैसा विजुलाइजेशन चाहिए उस तरह से विजुलाइजेशन ले सकते हैं। सर इसमें डायमेंशन और ये मेजर्स जो है ये क्या कुछ कंपलसरी रहते हैं? नहीं, डायमेंशन होता है टेक्स्ट होता है और आपका मेजर्स में कैलकुलेशन होती है। ओके, तो ये कुछ इसमें फिक्स होता है कि सर कैलकुलेशन हमें रोज में रखना है या कॉलम में रखना है? हाँ फिक्स होता है, कॉलम में ही रखना चाहिए या फिर है ना रोज ऐसा रखें, पिवट की तरह है सर, पिवट जैसे रखते हैं ना उस तरह से वर्क भी करता है। ओके, अभी क्या हो गया है कि हमने एक रिपोर्ट निकाल लिया, मुझे अगली रिपोर्ट निकालनी है डिवाइस वाइज साइट वाइज टोटल लॉगिन काउंट, तो मैं अब यहाँ नहीं कर सकता, मुझे यहाँ से एक नया शीट लेना पड़ेगा, ठीक है ना।
एक नया सीट लेना पड़ेगा, और मैं डिवाइस को रख दिया यहाँ कॉलम कॉलम में, और मैंने साइट को रख बताइए सर मुझे ये पीछे जो आप रिपोर्ट जो जनरेट हो गया था वो मतलब सेव किया था आपने? नहीं अब सेव की जरूरत नहीं है, अभी तो वही फाइल में एक्सेल फाइल में सीट इंसर्ट करते जाते हैं। ओके ऐसे में इंसर्ट कर लिया और लॉग इन काउंट को मैं यहाँ वैल्यू में रख देता हूँ और ये टेबल फॉर्मेट में आ गया। अब मैं इसको जो है ठीक है yes. तो इसी तरह से आपको वन बाय वन बनाना है और लास्ट में आपको यहाँ डैशबोर्ड दिख रहा होगा न्यू डैशबोर्ड, डैशबोर्ड पे उस रिपोर्ट को क्या यहाँ पे अरेंज करना है, समझ गए? ये सर क्लियर नहीं हुआ मुझे डैशबोर्ड वाला। जैसे कि आपने क्या हुआ कि इन एक एक सीट पे इंडिविजुअल चार्ट बना, इससे भी इंडिविजुअल चार्ट बना ना सर, ये फिर सीट चेंज कहाँ से हो रही है? ये रहा नीचे। अच्छा अच्छा ओके सीट वन सीट टू एक्सेल की तरह बता तो रहा हूँ कि एक्सेल की तरह होता है। ओके 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 यहाँ पे सीट वन पहला बना, दूसरा सीट टू बना, ऐसे सीट थ्री सीट फोर सीट फाइव सीट सिक्स आपने जितने भी चार्ट है सब बना लिया आपने। Yes, फिर डैशबोर्ड में उसको क्या किया यहाँ साइड में पूरे शीट्स की लिस्ट आ जाएगी, उठा के ड्रॉप कर देना। ओके ये शीट वन शीट टू आ गया, इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया आपने। जी हाँ, तो इसमें क्या होता है कि एक तो पहले रिपोर्ट बनाओगे और फिर उसको ड्रैग करोगे। तो मान लीजिए कि एक डैशबोर्ड है जितना का 15 तरह के डिफरेंट डिफरेंट एंगल से चार्ट बनाए हुए हैं आपने, तो यहाँ पर आपको 15 शीट बनाने पड़ेंगे। राइट अब पावर यही पे आते हैं, पावर बी आई का व्यू आपके सामने है। अब गेट डेटा पे गए, यहाँ भी डेटा कनेक्टिविटी वही है जो कि उसमें है। अब इसकी एक फायदा यह है कि इसकी जो कनेक्टिविटी जो डेटा इंपोर्टिंग है जस्ट लाइक एक्सेल की तरह है। यहाँ से एक्सेल फाइल हमने कनेक्ट किया और इसमें भी हमने मान लीजिए कुछ डेटा ले लेता हूँ, डेटा एस ले लिया ओपन। अब यहाँ पे बताएगा कि एक साथ कई सारे शीट्स को यहाँ पे हम ला सकते हैं। तो यहाँ हमारा टेबल टू डेटा, यहाँ पे टेबल ही आएगा, आ गया टेबल। यस इसको क्लिक किया और इसको हम लोड कर देते हैं। उसके कंपैरिजन में सर ये स्लो है थोड़ा है। नहीं स्लो, दो दो ऑप्शन खुला हुआ ना, स्लो चल रहा है सर। अच्छा डेटा भी थोड़ा सा बड़ा है, इसका डेटा छोटा था। ठीक है ना, एक कन्वर्ट वगैरह करता है, देखिए आ गया। यस तो इसका डेटा यहाँ देखिए, डेटा यहाँ पे आया हुआ है, यहाँ पे डेटा आता है। एक मिनट आ रहा है, और मेरा ऐसा जूम चलता है ना सर तो थोड़ा सिस्टम स्लो हो जाता है। ओके ओके वेवेक्स यूज नहीं करते सर आप? और नहीं सर, वेवेक्स वगैरह जो है ना दिक्कत क्या होती है, इजी टू यूज नहीं है सर। ओके हमारे पास टेक्निकल नॉन टेक्निकल दोनों इस तरह पत्र है, इजीली कनेक्ट हो जाता है, जूम इजीली कनेक्ट हो जाता है। कहने को तो गूगल मीट भी है, टीम्स भी है, गो टू मीटिंग भी है, बट ये लोग इजीली कनेक्ट नहीं होता है। यस सर डेटा आ गया। अब हमने अब यहाँ पे देखिए कितना सिंपल है। अब देखिए यहाँ पे कैसे एक्सट्रैक्टिव चार्ट विद इन 3 to 5 मिनट में बना देता हूं मैं। मैं फोटोशॉप की तरह सर ये आप सर विजुअलाइजेशन को ड्रैग एंड ड्रॉप कर रहे हैं आप? हाँ नहीं क्लिक कर रहा हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे अब मान लीजिए मुझे चार्ट चाहिए, ए वाली चार्ट चाहिए। यस तो मैं इसे क्लिक किया, यहाँ पे आ गया। अब उसके बाद मैं इसे अपना ए जो है नेम को रख दिया, उठा के पिक करके रख दिया और मैंने अपनी क्वांटिटी को यहाँ पे ड्रॉप कर दिया, जैसे पिवट टेबल में करते हैं। okay. अपने आप आ गया, हालांकि यहाँ चेंज मेंज कर सकते हैं पिवट टेबल की तरह, सीरीज को अपने हिसाब से जो है रिसाइज कीजिए, बड़ा छोटा जैसे करना है उठा के जहाँ पे रखना है वहाँ पे रख सकते हैं। ठीक है सेल्स मोड, और यहाँ पे हम इसको लेते हैं
और इसमें हम 550 को डाल दे, टोटल को डाल देते हैं, और इसको उठा के हम यहाँ रखते ये कहाँ से लिया सर आपने सर्कल? हैं। ये यहाँ से नहीं, सर रिजल्ट नहीं दिख रहा आपको, तो ओके 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 देखिए मैंने लेआउट चार्ट लिया और इसके ऊपर मैंने क्या किया अपना फेस मोड तो ही गया ना। हाँ एक मिनट देता हूँ, मैं अमाउंट रखता हूँ और अमाउंट के साथ साथ मैं प्रोडक्ट को रखता हूँ, ठीक है। अब यस इसको उठाया और हमने यहाँ रखा और ये थोड़ा सा ओवर एड कर रहा है, रिसाइज कर दिया मैंने इसको थोड़ा सा, हाँ हो गया। उसके बाद मैंने यहाँ से जो है मैप लिया तो और सारे इस ये मैप में इसके अंदर ये सारे जो डिटेल्स हैं लाइक जो भी आप ड्रैग एंड ड्रॉप कर रहे हैं ये ऑटोमेटिक ले लेता है इसके अंदर की ये कलर जी बेस के है, अकॉर्डिंग? अपने आप ले लेते हैं, आप चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे सारे सिस्टम होता है चेंज करने का। अपने आप डिफॉल्ट कलर जैसे पिवट पे चार्ट में, एक्सेल चार्ट में और पिवट चार्ट में कैसे लेता है यस उस तरह से डिफॉल्ट ले लेता है। ठीक है, यस और यहाँ पे मैंने नेम रख दिया और यहाँ पे हमने नाम पे कलर दिया। और ये डेटा नहीं मुझे चाहिए इससे फीमेल, और भी बहुत सारे विजुलाइजेशन है, और रिपोर्ट मुझे इस पे फिल्टर भी चाहिए, जैसे मैं चाहता हूँ फिल्टर साइट वाइज, तो मैं यहाँ से अपना फिल्टर स्लाइसर ले लिया और इसमें अपनी साइट को रख दिया, और इसमें हमने ड्रॉप डाउन सिस्टम लगा दिया और यहाँ पे हमने इसको यहाँ यहाँ कर दिया, तो यहाँ कर सकते हैं। उसके बाद जो है यहाँ पे हमें इंसर्ट एक, ये सर फिल्टर मुझे सर थोड़ा सा क्लियर नहीं हुआ। इस चीज मैं आपको समझाऊंगा जब पढ़ाऊंगा, तो सर ओके 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 अभी ठीक है आप बताओ। अभी तो मैं बता रहा हूँ कंपेयरिंग बता रहा हूँ सर। ओके 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 नो इशू। अब देखिए कितना इजीली बन रहा है ना, अट्रैक्टिव बन रहा है, सब कुछ हमारे हाथ में है। अब आपकी रिपोर्ट रेडी हो गया, देखिए सर 45 4 मिनट में मैंने इस रिपोर्ट को तैयार कर दिया सर। अब किसी को भेजूंगा, यहाँ से फिल्टर करेगा कि मुझे भाई आईपीटी इंडिया का चाहिए, तो आईपीटी इंडिया सेलेक्ट करेगा, तो पूरा रिपोर्ट आईपीटी इंडिया से जाएगा, सुनील कुमार का सर करेगा, सुनील कुमार का क्वालिटी मिल जाएगा, ठीक है आपको सर। तो ये देखिए एक ही विंडो पे सब कुछ बन गया, हमें इतना सारा। अभी इसी चीज को अगर मैं इस पे बनाता, टैबलू पे बनाता, तो उतने विजुला देखिए यहाँ पे विजुलाइजेशन भी कम है, दिख रहा है आपको सर। इसके ऑप्शन पावर बीआई की विजुलाइजेशन देखिए कितने ज्यादा है, और यस इसमें एक चीज सर और भी है कि इसमें विजुलाइजेशन को आप यहाँ से ला भी सकते हो, यहाँ से गेट मोर विजुलाइजेशन, जैसे मोबाइल ऐप में आते हैं ना, कुछ पेड है कुछ अनपेड है, यहाँ से लेके आ सकते हैं आप, बट इसमें ऐसा सिस्टम नहीं है, ठीक है। और मुझे एक एक चार्ट के लिए एक एक शीट तैयार करना पड़ेगा, फिर उसको कंबाइन करना पड़ेगा, और कंबाइन करने भी मैं अपने हिसाब से साइज को कम और ज्यादा नहीं कर सकता सर। ओके ये स्पेस ऑटोमेटिक एक्यूपाई करता होगा जी हाँ जी हाँ, जैसे मैं इसको हटाता हूँ डिलीट करता हूँ ये अपने आप बड़ा हो जाएगा, समझ गए। हालांकि और भी चीजें इसमें डाल सकते हैं, ये भी बेटर है, ऐसा नहीं कि टैबलेट खराब है, ये भी अच्छी है, बट मुझे अगर मैं बताऊं तो मुझे पावर भी अच्छा लगता है। सर। अभी अभी इंडिया में मतलब इन दोनों में से किसकी मार्केट में अच्छा देखिए डिमांड जैसे है कि मैंने किसी आप चीज का? मार्केट की बात हो गई, तो इसके लिए आपको naukri.com पे चलते हैं, ठीक है ना। मैं इसको बंद करता हूँ,
इसको ही बंद कर देता हूँ। अरे सिस्टम खुलना चाहिए, अब जैसे कि यहाँ पे आपको सर्च करना है, तो यहाँ पे मान लीजिए मैंने सर्च किया टैबलू, ठीक है, लोकेशन हटा देते हैं। सर जैसे वैकेंसी दीजिए 17,651 वैकेंसी अभी तक का इसमें है, ओके, ठीक है, यस सर। और डेट से मैं सॉर्ट करता हूँ कि करेंटली जो जॉब, देखिए ये जॉब आपका है, आपको दिख रहा है तो दिल्ली एनसीआर में सॉफ्टवेयर ट्रेनर चाहिए, यहाँ देखिए पावर, अब मैंने टैबलू सर्च किया तो यहाँ पावर भी आ रहा है, यस सर। और इसमें देखिए ऑटोमेटेड इंजन यहाँ पे टेक्सिस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड है, तो इसमें है QA एक्सपायर IT एंड बिजनेस एनालिटिक्स को चाहिए, तो इसके लिए आपको यहाँ रिसर्च करना होगा, इंटरमीडिएट ज्वाइंट अप्लाई यहाँ से, ओपनिंग फॉर बिजनेस एनालिटिक्स, डेटा एनालिटिक्स रिक्रूटर है, तो पास आर्किटेक्चर है, वेक्स गेस डेवलपर है, डायनेमिक CRM फाउंडेशन है, बिजनेस एनालिटिक्स फिलहाल है, डेटा एनालिटिक्स है। चलिए हमने कुछ जॉब को डेट के हिसाब से सॉर्ट किया हुआ है, सबसे पहले देखते हैं QA ऑटोमेशन इंजीनियर है, ये QA क्या रहता है सर? QA QC होता है, QT एनालिटिक्स होता है, QT क्वालिटी एनालिसिस, ओके, तो इसमें क्वालिफिकेशन तो इंजीनियर मांग रहा है, तो इसमें पायथन भी इसने सर्च किया हुआ है, पायथन में जावा भी चाहिए, तो चलिए तो हटाइए, तो कोर प्रोग्रामिंग का हो गया, अब यहाँ पे डेटा एनालिटिक्स की बात करते हैं, तो इसमें उन्होंने ऐसा मेंशन ही कर रखा है कि क्या होना चाहिए, मुझे IT सॉफ्टवेयर चाहिए, एप्लीकेशन मेंटेनेंस फुल टाइम, कुछ ऐसा उन्होंने मेंटेनेंस ही नहीं किया है। अब इस पे आते हैं, द सेम वही जॉब है जो भी यहाँ पे, लेकिन उन्होंने की स्किल्स में उन्होंने दिया हुआ है टैबलिस कारण से आ गया है, इसमें सब वो रिसर्च करने पड़ेंगे, ये आपको सही जवाब देगा। ये आपको सही जवाब देगा, ठीक है सर, ओके, इसमें से रिसर्च कीजिए, लेकिन मेरे अगर मेरी ओपिनियन देखेंगे, यस सर, तो पावर BI ही बेटर होगा आगे के मार्केट में, अभी जो भी हो लेकिन आगे के मार्केट में पावर BI ही बेटर होगा, ठीक है। तो सर मैं माफी चाहूंगा आगे, क्योंकि मेरी नेक्स्ट बैच की टाइम हो गया है, मेरे मैसेज आने लगे हैं। यस यस यस, इट्स ओके।